नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ में अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। गंज वासोदा एक आध्यात्म की नगरी है। यहाँ अगर कोई अनैतिक कार्य हो तो गले नहीं उतरता। यहाँ पाराशरी नदी बहुत प्राचीन नदी है। ऋषि पाराशर की तपस्या से उनके ही नाम पर नदी का नाम पड़ा, जिसकी धारा प्रवाह से संपूर्ण नगर का जल स्तर बना रहता था। लेकिन आज संपूर्ण नदी नाले का रूप धारण कर चुकी है। जगह जगह नदी के तटों पर पक्के निर्माण हो रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। क्षेत्र के साधु संत समाज को इस पवित्र नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए आगे आना चाहिए, और जो भी कब्जे इस नदी के तटों पर किए जा रहे हैं उनको शीघ्र हटाकर नदी का गहरीकरण करके इसके सौंदर्यीकरण के लिए योजना बनानी चाहिए, जिससे कि पाराशरी नदी में पुनः पूर्व की भांति स्वच्छ जल प्रभावित हो सके। वहीं इस विषय में ग्रामीणों का कहना कि इस पवित्र नदी का बहुत बड़ा महत्व था। लोग तीज त्योहारों पर इस पवित्र नदी में स्नान ध्यान करते थे, लेकिन अब नदी विलुप्त होती जा रही है। वहीं वार्ड नंबर 24 के पार्षद प्रकाश जैन ने बताया कि पाराशरी नदी के माँ शीतला धाम के तट पर बुजरिया का विसर्जन हो या डोलों का विसर्जन, सभी आयोजन धूमधाम से मनाए जाते रहे हैं। वहीं विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार की प्रथा बड़ी प्राचीन है, लेकिन अब पूरी नदी के प्रत्येक तट पर अवैध निर्माण होते जा रहे हैं। अगर समय रहते पाराशरी नदी के अतिक्रमण नहीं हटाए गए तो पाराशरी नदी विलुप्त की स्थिति में पहुंच जाएगी। विदिशा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। की अपनी एक गरिमा होती है और उसकी एक पहचान होती है। हमारे गंज वासोदा की जो परम पवित्र नदी है वो नदी है पाराशरी नदी, जो शायद बेतवा से भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। महर्षि पाराशर ने जब एक सत्यवती को उन्होंने जन्म दिया और वे मत्स्यगंधा के साथ में मिले, उसके बाद में उनकी जो हीन भावना उत्पन्न हुई, उन्होंने हिन्नौदा में बैठ कर के जो अश्रुप्रपात किया, उससे ये पवित्र स्थली से उद्भूत होती हुई ये जो पवित्र धारा है पाराशरी हमारे गंज वासोदा के बीच से होकर के निकलती है। पाराशरी नदी को चाहे वो प्रदेश से बचे, चाहे देश से बचे, चाहे भोपाल से बचे, चाहे केंद्र से बचे, हमें वो प्रयत्न करना चाहिए ताकि हम इस अपनी धरोहर ऋषिमुनियों और पूर्वजों की बनाई हुई धरोहर, क्योंकि हमारे जो अंतिम कर्मकांड होते थे वो पाराशरी नदी में हुआ करते थे, जहाँ आज मानस भवन है उसके आगे में, और हमारी वो धीरे धीरे नदी लुप्त हो रही है, हम और आप सब मिल करके बचाएँ, मैं ऐसी कामना करता हूँ। ये बहुत नगर की प्राचीनतम नदी रही है, और पहले इस नदी का पानी इतना रहता था कि लोग यहाँ पर स्नान ध्यान से लेकर अपने सारे धार्मिक क्रियाकलाप यहाँ पर होते थे। लोगों का मोहर विसर्जन से लेके भुजरिया विसर्जन और अपना डोल 11 पे जो अपने विमान जी जो निकलते हैं वहाँ पे जल विहार होता था भगवान जी का। मैं स्वरूप नगर बैतौली में रहता हूँ। मेरा नाम सौदान सिंह रघुवंशी है और मेरी 80 साल की उम्र हो चुकी है। और ये गांव जो बैतौली है ये देसाई का गांव था, और हमें देसाई के यहाँ घर पे जाता था, जो इसी नदी ने से उतर कर पाराशरी ने से, इतनी स्वच्छ नदी थी कि गंगा के यमुना के तरह पवित्र बहती थी। आज लोगों ने उसके लिए इतनी दूषित कर दी है, तमाम मकान दुकान जो भी मर्जी में जो कुछ आ रहा है, मल मूत्र सब पाराशरी के दर्जे में कर रहे हैं। इससे मेरी ये प्रार्थना है कि पाराशरी के लिए बचाई जाए और इसके लिए गहरीकरण, और ये सब लोगों के लिए रोका जाए कि ये पर दूसरे की सरकारी ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा ना करें और पाराशरी के लाने दूषित ना करें।